हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नोलॉजी में। यह हम आपको देने वाले हैं डेली के अपडेट्स, नए गैजेट्स, नए फ़ोन्स और ढेर सारे न्यूज़ टेक्नोलॉजी के रिलेटेड। आज की पहली खबर आ रही है एप्पल की ओर से। एप्पल यूज़र्स के लिए एक गुड न्यूज़ है। मच अवेटेड आईफोन 9 या आईफोन SE 2020 लॉन्च हो सकता है अप्रैल 15 को। चाइनीज़ रिटेलर वेबसाइट पर देखा गया है कि एप्पल लॉन्च करेगा अपना अगला फ़ोन आईफोन 9। इसी के साथ एप्पल लॉन्च कर सकता है आईफोन SE 2020 वर्जन को भी, जो कि है एक बजट रेंज आईफोन। जैसा कि हमने बताया कल की वीडियो में कि ये डिवाइस लिस्ट हुआ है JD.com पर। फीचर्स और लॉन्च डेट अभी कंफर्म नहीं हुए, लेकिन शायद ये सेल पर आ सकता है May 9 से। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। OnePlus 8 और 8 Pro आ रहे हैं April 14 को। इससे पहले ही कुछ एक्सेसरीज़ के लीक निकल कर आए हैं। OnePlus सीरीज़ के स्क्रीन प्रोटेक्टर्स, ट्रांसपेरेंट बम्पर और वायरलेस चार्जिंग डॉक निकल कर आया है सामने। वायरलेस चार्जिंग डॉक है रैप चार्ज 30 चार्जर LED इंडिकेटर के साथ। इसके पीछे है एक ग्रिल, यानी इसमें हो सकता है एक फ़ैन टेम्परेचर चेक करने के लिए, ताकि वो अचीव कर सके हाई चार्जिंग स्पीड। अगली खबर है ओप्पो रेनो H2 की ओर से। ओप्पो इंट्रोड्यूस करने वाला था रेनो H2 April 13 को। कुछ स्पेसिफिकेशन निकल कर सामने आए हैं टीना सर्टिफिकेशन पेज की ओर से। अब एक प्रोटोटाइप यूनिट फ़ोन का निकल कर सामने आया है। इसमें होगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 चिपसेट। इस फ़ोन को AnTuTu में मिला है 560217 पॉइंट्स, CPU डिपार्टमेंट में मिला है 180132 पॉइंट्स, GPU में मिला है 210371 पॉइंट्स। पिछले डिटेल्स के मुताबिक इसमें होगा 6.5 इंच AMOLED डिस्प्ले, फुल HD रेजोल्यूशन, पंच होल 16 मेगापिक्सल डिज़ाइन के साथ। इसमें होगा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। बैक में होगा क्वाड कैमरा सेटअप। 48 मेगापिक्सल का होगा मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल शूटर और 2 2 मेगापिक्सल मॉड्यूल्स। 4000 mAh की होगी बैटरी 65 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ। प्राइस को लेकर अभी कुछ सामने नहीं आया है। अगली खबर आ रही है ओप्पो की ओर से। ओप्पो फाइंड X2 लाइट के इमेजेस और फीचर्स लीक हुए हैं। फ़ोन दिख रहा है रेनो 3 यूथ के जैसे ही। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें होगा क्वाड कैमरा सेटअप, कलर्स होंगे 2, ब्लैक और वाइट। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी होगा। इसमें होगा 6.4 इंच AMOLED डिस्प्ले वाटर ड्रॉप नॉच के साथ। प्रोसेसर होगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G। जहां तक कैमरा की बात आती है, इसमें होगा 48 मेगापिक्सल कैमरा, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल, 2 मेगापिक्सल मैक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर। सामने होगा 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा। बैटरी होगी 4025 mAh 30 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ। यूरोपियन मार्केट्स में इसकी प्राइस हो सकती है 500 यूरोस, यानी कि 42,000 रुपीज़ के आसपास। अभी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आई है इंडिया में लॉन्च को लेकर। अगली खबर है एक फ़ोन में आ सकता है 192 मेगापिक्सल कैमरा। लीक्स्टर डिजिटल चैट स्टेशन टीज कर रहा है 192 मेगापिक्सल इमेज सेंसर और स्नैपड्रैगन 765G। कुछ और इन्फॉर्मेशन मिल सकती है अगले महीने। सैमसंग काम कर रहा है 150 मेगापिक्सल सेंसर पर। शाओमी ने रिलीज़ किया है 108 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर वाला फ़ोन। 150 मेगापिक्सल सेंसर शायद आ सकता है ओप्पो या वीवो के फ़ोन्स में। स्नैपड्रैगन 765G चिपसेट से मालूम पड़ता है कि ये एक प्रीमियम मिड रेंज स्मार्टफोन में होगा। और 192 मेगापिक्सल कैमरा आराम से आ सकता है MI नोट, रेनो या वीवो Z फ़ोन्स में। स्नैपड्रैगन 765 इतना पावरफुल है कि वो सपोर्ट करेगा 192 मेगापिक्सल सेंसर बगैर कोई एडिशनल चिप के। अगली खबर है पोको की ओर से। पोको ट्रू वायरलेस ईयरबड्स लॉन्च होंगे इंडिया में जल्द ही। कंपनी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर कहा है ये ईयरबड्स रहेंगे डायरेक्ट कॉम्पिटिशन रियलमी बड्स एयर के लिए। इसका डिज़ाइन भी हो सकता है रियलमी बड्स एयर की तरह। फीचर्स जैसे वन टच कॉल आंसरिंग और वॉइस असिस्टेंस यूज़ हो सकता है। एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन भी हो सकता है वायरलेस ईयरफोन्स में। व्हाट्सएप पर अब आप फॉरवर्ड कर सकते हैं एक मैसेज एक यूज़र को ही। जहां दुनिया झूंझ रही है कोरोना वायरस को लेकर, कुछ लोग फेक न्यूज़ और रूमर्स फैलाने में लगे हुए हैं। इसके चलते व्हाट्सएप ने लिया है एक बड़ा डिसीजन। व्हाट्सएप ने फिक्स किया है फॉरवर्ड्स पर लिमिट, यानी अब कोई भी एक से ज़्यादा लोग को नहीं कर सकता है एक मैसेज से ज़्यादा फॉरवर्ड। पहले आप कर सकते थे 5 लोग को मैसेज फॉरवर्ड। फेक न्यूज़ और रूमर्स को रोकने के लिए लिया गया है ये कदम व्हाट्सएप की ओर से। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। और आप सब अपना ध्यान रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में।